यो भाई तीनों के तीनों क्या बन रहा है मैडम? लड्डू बन रहे हैं। एक खुशी के छोटे छोटी पहिया के लिए छोटे छोटे जूते। क्या हुआ भाई? तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस वैसे एक सच बात बताऊं, अभी गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, दोपहर के 2 बजे हुए। कल रात से यार सर्दी की वजह से पता नहीं क्या चक्कर था, सर्दी की वजह से था या किसी और वजह से, कल रात से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो आज सुबह वो पेट का दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, तो सुबह से घर में पड़ा हुआ हूँ, गाड़ी चलाने के लिए नहीं गया था। ब्लॉग भी अब 2 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा पेट में शांति पड़ गई है, दर्द नहीं है, तो सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, कुछ काम धंधा देख लेता हूँ। वैसे भी गैस अब काम ठंडा पड़ने लगेगा, जो लूप था ना 8-10 दिन का वो हो गया खत्म, अब काम के लिए वैसे भी तरसने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है। सुबह सुबह से पेट में दर्द था, सुबह के टाइम में जा नहीं पाया, अब दोपहर बाद जाने की सोच रहा हूँ। और भाई घर में फुल हंगामा है, जब से तुलसी आई है ना, तुलसी के 2 बच्चे और अपने घर में भी बच्चे होगा, आपको बताइए कितने बच्चे, तो हंगामा हर समय मचा रहता है। तुलसी के बच्चे जैसे आ जाते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तुलसी आज जाने की तैयारी में, चंचल कल निकल गई थी 2 तारीख को, आज 3 तारीख को तुलसी जा रही है। अभी अभी ये लोग मार्केट से आए, पूरा शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके, तो तुलसी मिलाता हूँ, हो सकता है कि जब हम वापस आएंगे तब तक तुलसी चली जाएगी। देखे भाई मंकू बुआ से प्यार करने में लगा हुआ है, तुलसी जा रही है, आज तुलसी जा रही है। पीयूष तैयार हो रहा, कपड़े पहन के, ये देखो क्या हुआ भाई? जाने का मन नहीं है पीयूष? नहीं मन कर रहा तो रहने दे, अभी अभी शॉपिंग करके लाए, देखो भाई कैसे कंबल कंबल, और इधर देखो ये सारा का सारा तुलसी अभी खरीद के लाई है। कौन के फिर चंचल को ही दो, अच्छा ये नीचे वाला कंबल तो चंचल के यहाँ जाएगा, सकरात आई है ना, सकरात आ रही है तो उस पर चंचल के यहाँ जाना है। और ये तुलसी की शॉपिंग ये है भाई, देखो सैंडल जूते पता नहीं क्या क्या खरीद के लाई है, और पनीरी हाँ तेरे का कछू ना लाए। ये हमारी खुशी, खुशी बॉल से खेल रही है, हु 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 हाथ में ले आ रही है इसके में। और रुक गई है जब हाथ में आई है, मिल गई। ये कब्बू है, गुड मॉर्निंग, हेलो भाई, आज हमारी दीदी जा रही है तू? है तू, रुक जा, ये मेरी भांजी है गाइस, और इससे बड़ा है जो पीयूष वो भांजा है, और ये तीन हमारे घर के बदमाश हैं, खुशी, कब्बू और ये टिल्लू। वैसे इन दोनों का नाम अलग है, इसका नाम तो अन्नू है और इसका नाम है काव्या, अब इसको प्यार से कब्बू बोलते हैं और अन्नू को बोलते हैं टिल्लू। और ये तो खुशी है ही, इसका नाम नहीं बिगाड़ा हमने अभी तक, इसको खुशी बोलते हैं भाई सब लोग, इसका नाम किसी ने नहीं बिगाड़ा। ये हमारी भांजी है, क्या नाम है? दिव्यांशी, इसको हम दिशु बोलते हैं, आज दिशु जा रही है। ये लोग आ जाते हैं ना तो घर में पूरा का पूरा हंगामा मचा के रखते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे परेशान करते हैं। क्यों करते हैं मुझे परेशान? हैं? ना 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 ना, मेरी लाडली भांजी है भाई। अब मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ, वापस आऊंगा जब तक ये निकल जाएंगे, तो आप लोगों को इसीलिए अभी मिला देता हूँ, बाय बाय कर दो। ओ गाइस देखिए, ओ भाई, ओ हमारी खुशी नए जूते लाई है, दिखाओ 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 दिखाओ, ओ बड़े पापा को देखा, ओ छोड़ छोड़, ओ देखिए गाइस, एक खुशी के छोटे छोटी पहिया के लिए छोटे छोटे जूते। मैं पहन लूं, मुझे दे दे, मुझे दे, ओ दे, ओ दे, ओ छीन ले गई, ओ छीन ले गई भाई। मैं पहन लूं। कैसे देख रही है, देखो देखो देखो, ओ भाई तेरे जूते छीन ले, इससे छुड़ा ले, कौन की है हाँ मेरे कितनी चालाक है। और भाई नीचे से हंगामा जो हो रहा है वो हो ही रहा है, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, हमारी मैडम लगी हुई है, क्या बना रहे हो मैडम जी? लड्डू बन रहे हैं, किस चीज के? सूजी के और आटे के, सूजी और आटे के लड्डू बन रहे हैं भाई। अच्छा 31st के लिए मैं लाया था ना गाजर के हलवे के लिए खोआ, तो मैडम ने आधा खोआ तो लगा दिया भाई गाजर के हलवे में, और आधा बचा हुआ भी, तो उससे मैडम लड्डू बना रही हैं। चलो बनाओ, तुलसी जा रही है उसके लिए भी।
जाएंगे। तुलसी जा रही है, उसको खा के जाएगी, तभी उसके लिए लगी हुई है। वो अभी अभी शॉपिंग से आए, कितना टाइम लगेगा? अभी बनने में बन जाएगी, फॉर्मूला क्या तुम सब कुछ मिला बन जाएंगे जल्दी। ठीक है, तुम बनाओ, मैं तो निकल रहा हूँ, खिला के विदा कर देना। हमारे घर में देख लो भाई, कितना लंबा न्यू ईयर मन रहा है। 1 तारीख को गाजर का हलवा, 2 तारीख को भल्ले और 3 तारीख को लड्डू बन रहे। खूब लंबी चल रही है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। कब्बू जानकारी ले रही है, ये हमारे घर की सवाल हो है, हर चीज का जवाब चाहिए इसको। इसको मत खिलाइयो, नहीं मिलेगा तुझे। नहीं 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 नहीं, इतने सवाल करती है भाई, पका देती है। गाइस फाइनली जाने का टाइम आ गया है, और देखो कितने लोग जा रहे हैं। वो 2 भाई इंतजार कर रहे हैं, और एक पूरी गाड़ी यहीं से भर गई है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। कहाँ बुरा, क्यों लग रहा है? चल लियो भाई, तीनों के तीनों यहाँ से ऑटो पकड़े गोवर्धन चौराहे, गोवर्धन चौराहे से जज जाएंगे लोग। गाइस तुलसी और उसके बच्चों के साथ यार 2 दिन कैसे कट गए पता नहीं चला। तो भाई नई साल का जश्न तुलसी के जाने के साथ ही हमारे घर में अब खत्म हुआ है। तुलसी गई, तुलसी के दोनों बच्चे भी गए, चंचल तो कल ही निकल गई थी, आज तुलसी भी गई। अब भाई 2 दिन तो ऐसा लगेगा जैसे घर सूना सूना सा है। जब तुलसी और तुलसी के बच्चे आ जाते ना, तो घर में हंगामा अलग ही लेवल का बना रहता है यार। अब हम भी अपने काम धंधे में लगते हैं, उनको बिठा दिया मैंने ऑटो में, अब निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। देखते हैं जंक्शन पे क्या हाल है। सुबह से तबीयत खराब थी यार मेरी, पेट में दर्द हो रहा था भाई, इसलिए मैं बिल्कुल भी निकला ही नहीं था घर से। अब शाम के टाइम इनको छोड़ने आया हूँ हाईवे तक, तो सोचा यार थोड़ा देर टाइम पास भी कराऊंगा, देखेंगे मथुरा जंक्शन पहुँचते हैं कुछ निकला है कि नहीं। वैसे दोस्तों को मैंने कॉल की थी, सबके सब बता रहे थे काम बहुत हल्का है आज, वहाँ पहुँचते हैं फिर देखेंगे क्या हाल है। गाइस छोटी बहन और उसके बच्चों को भाई 4 बजे के करीब मैंने हाईवे पर छोड़ा था, उसके बाद निकल आया था मथुरा जंक्शन पे। और भाई मथुरा जंक्शन पे आने के बाद एक चक्कर बड़ी मुश्किलों से लगाया। एक तो सर्दी बहुत भयंकर है यार इस वक्त, पिछले 2-3 दिनों से यह हालत है कि आज तो मेरे कल रात से ही हो रहा था, लेकिन आज सुबह के टाइम में तो पेट में दर्द हो गया था ठंड की वजह से। भाई ये गोली लेके तब जाके मेरे को चैन पड़ा है, और मथुरा जंक्शन पे आया तो एक ही चक्कर लगाया, बहुत ही काम ठंडा हो गया है। जिसकी हम 5 तारीख के बाद अंदाजा लगा रहे थे कि 5 तारीख के बाद काम नीचे की तरफ आना शुरू होगा, वो भाई 2 तारीख से ही पलट गया है। बहुत हल्का काम पड़ गया एकदम से, जैसे एकदम से ऊपर आया था ना वैसे ही एकदम से नीचे लुढ़क गया यार। अभी 8:15 का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर रोड देखूंगा फिर निकल जाऊंगा घर के लिए। और फिलहाल का माहौल देख लो भाई, ऐसा माहौल है, हमारी मित्र मंडली खड़ी हुई है, हम भी खड़े हुए, एक आध चक्कर लग गया तो ठीक, वरना घर जा रहा हूँ भाई। मेरे को तो सर्दी लग रही है बहुत बुरी, पहले ही दर्द हो चुका है यार। घर आ चुके हैं, और भाई आज घर हमारा पूरा खाली हो गया। अंजलि पढ़ाई कर रही है, मंकू सो गया है। हेलो अंजलि, और टाइम देखो भाई 8:30 बज चुके हैं, और हमारी मम्मी किसी से बात कर रही है। कौन से बात हो रही है? निधि से, निधि से, हमारी आने वाली बहू से। और ये रही हमारी मैडम, सर्दी में सारे के सारे छुपे हुए, हमारी आने वाली बहू ना है सारी, ठंड लग रही है भाई, सर्दी में छुपे पड़े। जब मैं घर से गया था तो आपको बता रहा था गीता लड्डू बना रही है, तो गीता ने एक टाइप के तो लड्डू बना लिए, अब भाई गीता लगी हुई है दूसरे टाइप के बनाने में। देखिए ये कौन से लड्डू बन रहे हैं? ये वही लड्डू है। कौन से वाले? अब इनमें तो कुछ अलग लग रहा है मुझे। क्या तिल डाले? हाँ। देखो भाई तिल वगैरह कुछ डाल डूल के बना रही है, नहीं जब जल्दी हो रही ना तुलसी की वजह से जल्दी जल्दी में बनाए थे, मैडम फुर्सत से बना रही है। देखो जब भी दूध नहीं था दूध आया, अब दूध डाल के क्या क्या डाला है इनमें? दूध और दूध खोआ, तिल, किशमिश, दूध खोआ, किशमिश और गुलाबी, गुलाबी कई आइटम डाले, मस्त बनने वाले हैं। और इलायची, इलायची भी मजा आ जाएगा खाने में। मैडम के तो लड्डू बनते रहेंगे, अपन इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। 10:30 हो गए यार, बहुत रात हो गई, चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।